शैतान बन गई सौतन, एक ही घर में दो पत्नियों को रखा हुआ था। और फिर कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक सौतन ने अपने पति की पहली पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। जानिए पूरा मामला क्या है। दिवाली पर हर कोई अपने घर में दिए जला रहा था और खुशियां मना रहा था, लेकिन कुछ ऐसे घर भी थे जो खून की होली खेल रहे थे। ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा की इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। एक औरत इतनी खूंखार कैसे बन सकती है, ये सोचकर ही हैरानी हो रही है। दरअसल यहां एक महिला ने दूसरी महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और तब तक हमला किया जब तक कि वो अधमरी हालत में नहीं हो गई। इतना ही नहीं, आरोपी महिला का चाकू से हमला करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सौतन बन गई शैतान, दरअसल ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस महिला का गुस्सा अपने पति की पहली बीवी पर था। महिला के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने चाकू उठाया और अपने सौतन पर टूट पड़ी। ये वारदात दिवाली वाले दिन हुई। सौतन पर महिला ने चाकू से इतने वार किए कि देखने वालों की रूह तक कांप उठी। दोनों महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और उस झगड़े ने भयानक रूप ले लिया कि बात जान पर उतर आई। दुश्मन बन गई सौतन ने कई बार चाकू से वार किया, पहली पत्नी को लहूलुहान कर लिया और फिर तड़पने तक मुंह पर लात मारी। चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके अधमरा छोड़ दिया। ये मामला रीवा जिले के त्योथार का है। राम बाबू वर्मा की दूसरी पत्नी मानसी ने पहली पत्नी जया पर चाकू से हमला बोल दिया। राम बाबू ने बताया कि पहली पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और इसी वजह से उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन अब दूसरी पत्नी को एक ही घर में पहली पत्नी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। आए दिन दोनों पत्नियों के बीच लड़ाइयां होती थी। फिर 31 अक्टूबर को दीपावली की रात ये झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। पुलिस कर रही है महिला से पूछताछ। वारदात का वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया था, जिसके बाद पुलिस को इस वारदात की जानकारी हो गई। खून से लथपथ महिला को पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी महिला मानसी को गिरफ्तार कर लिया है। मानसी रामबाबू की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी को उससे हमेशा लड़ाई रहती थी, जिस वजह से मानसी को गिरफ्तार कर लिया है। मानसी रामबाबू की दूसरी पत्नी है और पहली पत्नी की उससे हमेशा लड़ाई रहती थी, जिस वजह से बात थाने तक पहुंच गई। फिलहाल मानसी से इसके पीछे की और वजहों के बारे में पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। तो क्राइम स्टोरी को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये सोनौरी थाना अंतर्गत चौरा गांव है, वहां का एक घटना है। राम बाबू वर्मा फरियादी हैं। इसमें इन्होंने इनकी जो पहली पत्नी है वो पीड़ित है। इनका कहना है, इनके फरियादी की रिपोर्ट के अनुसार, कि इनकी पहली पत्नी अस्वस्थ रहती थी, जिसके चलते इन्होंने 1.5 साल पहले एक दूसरी शादी की थी। दोनों महिलाओं के बीच में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर विवाद चलता रहता था। कल घटना दिनांक 31 तारीख को भी इनके बीच में विवाद हुआ और उसी पे से इन्होंने सब्जी काटने वाला जो चाकू है उससे उस पर वार कर दिया, जिस पर तत्काल पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरियादी के कथन अनुसार हमने रिपोर्ट कर ली है BNS की अलग अलग धाराओं पर, हमने इसमें कायमी करके और पूछताछ जारी करके इसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है।